जिंदगी एक लंबा सफर और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे सवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर, जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकान देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जवाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन बवाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अश्काल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंजशा युज़िकुम वयाती बिखल्किन जदीद, अगर तू नहीं करेगा ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा तो हम नए लोगों को ले आएंगे, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती है जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करता है, एक है वक्त और दूसरा तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनव्वो और नौयत नहीं है, और फिर सलूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनव्वो और नौयत नहीं, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्त यह कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी